आप पैदा होइए, मैटरनिटी की बिल पर जीएसटी सरकार वसूल लेगी। अम्मा का दूध पीजिए और टॉयलेट चाहिए, डायपर जीएसटी देकर अब्बा खरीदेंगे। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा और आखिर में मौत तक हर लम्हा सरकार आपसे टैक्स लेती है। एजुकेशन सेस, कृषि सेस, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, जीएसटी, वैट, शमशान घाट टैक्स वगैरह वगैरह। मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक और खाने पीने से लेकर टॉयलेट जाने तक सरकार टैक्स लेती है, और ज़्यादा चूचा किए तो इनकम टैक्स वालों की रेड। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। 15 लाख की एसयूवी कार खरीदने पर 7 लाख सरकार के जेब में जाता है। 8 लाख की बेसिक बिलिंग प्राइस है, माने आधा पैसा सरकार खा जाती है। सरचार्ज, जीएसटी, सेस, रोड टैक्स, टीसीएस, इंश्योरेंस पर जीएसटी, ये 6 तरह के कुल 7 लाख टैक्स सरकार के खजाने में जाते हैं। फिर हाईवे पर चलिए तो 3 रुपये पर किलोमीटर टोल टैक्स और 65% ईंधन पर उत्पाद टैक्स वगैरह। देश का इंजन यहीं से खींचा जा रहा है। मोदी जी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने देशवासियों की बर्दाश्त की ताकत बढ़ा दी है। मोदी जी को इसके लिए साधुवाद। अब ना तो महंगाई डायन है, बल्कि वो देश के लोगों के लिए उनकी दूसरी हसीन तरीन बीवी है। 54-58 पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर मचने वाला हाहाकार अब नहीं होता, ना ही गैस सिलेंडर के 10-20 रुपये बढ़ने पर सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ जाने वाली आंटी अब 800 सिलेंडर होने पर भी नज़र नहीं आती। कोई नौकरी भी नहीं मांगता, सबके यहाँ सब चंगा सी। कहने का मतलब बस इतना है कि देश बर्दाश्त करने के काबिल हो गया है और मूल्य भी अब कंट्रोल में है। थैंक यू मोदी जी। मोदी जी को गैस पेट्रोल डीजल का दाम कम करने के लिए वोट नहीं मिला, इसलिए पेट्रोल 100 रुपये पर लीटर हो जाए या 1000 रुपये पर लीटर, गैस 850 रुपये पर सिलेंडर हो जाए या 8000 रुपये पर सिलेंडर, मोदी जी से इसके लिए न सवाल पूछा जाए न उनकी आलोचना की जाए। मोदी जी के वोटरों और समर्थकों को पता है कि इस देश में मोदी जी जो बड़ा काम कर रहे हैं उससे उनको पेट्रोल डीजल और गैस, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आएंगी ही। आखिरकार बड़े काम की राह में कुछ समस्याओं को तो झेलना ही पड़ेगा। तो भैया लोग, अब मोदी जी के वोटर मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं, तो आप क्यों हाय तोबा मचा रहे हैं? जिसे देखिए मिनट दर मिनट पेट्रोल गैस डीजल का रेट अपडेट कर रहा है। वो क्या है ना कि ऐसे लोग छोटी सोच के हैं, छोटी चीज़ में ही उलझे रहेंगे, बड़ा तो सोच ही नहीं सकते। या हिंदू और उनका धर्म खतरे में है और इनको पेट्रोल डीजल की पड़ी है। बताइए, मोदी जी के वोटर और समर्थकों के अनुसार जब इस देश का इस्लामीकरण हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल और गैस लेकर हिंदू घुइयां छीलेगा? मोदी जी इस खतरे से लड़ रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए महंगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी जी की आलोचना बंद हो। मोदी जी ने ही कहा था कि विजन बड़ा होना चाहिए, इसलिए महंगाई के लिए मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। नए भारत में बस इतना ही। मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। देखते रहिए NIN, नई आवाज़, नई परवाज़।